छोटा पुत्र रामभूल ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, कहा कि प्रार्थी छोटा पुत्र रामभूल निवासी ग्राम परासौली थाना व तहसील बुधाना जिला मुजफ्फरनगर का है। प्रार्थी विश्व हिंदू महासंघ मुजफ्फरनगर का कार्यकर्ता व गौरक्षक है। प्रार्थी के गांव में गौशाला के निर्माण का प्रस्ताव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वीकृत होकर उसमें कमरा विखोर बन चुकी है, लेकिन 8 महीनों से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। बाकी निर्माण कार्य कराने के लिए JT0 बुधाना ब्लॉक से कहने पर उसने प्रार्थी को ये दिया है कि बाकी निर्माण कार्य तुम खुद करा ले, हमारे पास फालतू कार्यों के लिए कोई बजट नहीं है। गौशाला निर्माण कार्य पूर्ण न होने से 8 महीने के अंदर कितनी ही गाय लावारिस घूमने के कारण मर चुकी है, जिनका प्रार्थी ने सर्वेक्षण भी कराया था। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि गोवंश की रक्षा हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पर उचित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के गांव में अधूरा पड़ा गौशाला निर्माण का पूर्ण हो सके। मेरा नाम छोटा गोरक्षक जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव परासौली तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर। क्या मामला है आपके साथ? सर मैंने 2023 में पहले महीने में माननीय मुख्यमंत्री के पास गौशाला के लिए गया था मैं, तो वहाँ से गौशाला पास हुई थी। तो अब जैसा गौशाला पास हुई तो वहाँ पे 8 महीने में सिर्फ एक खोर और एक कमरा बनाया, कमरे में अभी प्लास्टर नहीं हुआ। और ये बोलते हैं कि बजट नहीं आया, जब जैसा पैसा आएगा ऐसे ही काम करेंगे हम। और नवाब कुरेशिया हमारे गांव का, वे बोलता है कि मेरे 2.5 साल ले रहे, आराम आराम से काम कर, ये 2.5 साल मेरे बीत जाएंगे। और मैंने जैसा कल जय साहब से बात करी, जय साहब ने कह रहे जैसा तुम्हें 5 बीघे मिली है तो उसमें अद्धी में बाउंड्री करवाओ और अद्धी में रहने दो, अद्धी में बाद में करवा लेना। सर एक बात बताओ, पशु इतने हैं सर, अगर हम पशु को लेकर आएंगे कोई वो थोड़ा है कि चारा, उनको जगह भी चाहिए, छत भी चाहिए। कितने पशु होंगे आपके गौशाला में? वहाँ पे कम से कम 35 पशु है। और वहाँ पे एक घटना और होती है कि मतलब जैसा गाय रात को कोई भी लेके चला जाता है, पता नहीं लगता कि गाय कौन ले जाता है। खुला है वहाँ पे गाँव कसीब हुई है जोला में। और हमारे गाँव की जो नहर है वहाँ पे भी 2 बच्चियाँ कटी हुई पड़ी थी, उनकी वीडियो भी मेरे पास है। वहाँ पे प्रशासन मतलब पुलिस आई थी, वहाँ पे थाना से SHO आए थे, वहाँ से उन्होंने उसको उठवाया और उसको दबवाया था। गौकसी किसने की जानकारी है? गौकसी का कोई भेद नहीं लिखा, लेकिन जो जोले में थे, जोले में उसका भेद निकल गया, उसके पैर में गोली भी लगी थी, उसका पता भी लगा था। तो आपको कितने खोर की आवश्यकता है, कितने पशु? मुझे सर 2 खोर की आवश्यकता है, और उसमें एक जैसा वहाँ पे लड़कर रहेंगे उनके लिए रहने की जगह, क्योंकि अगर हम रात में वहाँ पे पशु बांध के आ जाए तो वहाँ पे रात को कोई खोल के ले जाएगा, इसलिए वहाँ पे रहना आदमी का बहुत ही जरूरी है। तो डीएम साहब से मिले क्या बात हुई? चारों तरफ को दीवारी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे दीवारी के बिना कुछ नहीं है, अगर दीवारी नहीं होगी तो कुत्ते शिकार बना लेंगे। आज डीएम साहब से मिले क्या बात हुई? डीएम सर से हुआ कि कार्रवाई करेंगे, अभी हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई होए, आगे ठंड आ रही है, ठंड से पहले ही इनका काम हो जाए, मतलब यहाँ पे गौशाला बन जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई होए, हमारा काम ये जो उनसे हमने दिया है ये जल्द से जल्द पूर्ण होए।